जय हिंद, नमस्कार एंड मोस्ट वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स बाय एग्जामपुर एफकेट 2021 मैराथन फॉर जीकेजीएस सेक्शन। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट आफ्टरनून सेशन में, जहां मैं चंदन रोशन एक बार फिर आप लोगों के साथ एफकेट के ऊपर आखिरी प्रहार करने के लिए करंट अफेयर्स के इस मैराथन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, उपलब्ध हूँ, अवेलेबल हूँ। तो जो बच्चे लाइव आ चुके हैं प्लीज मुझे एक बार रिस्पॉन्ड करें, रिप्लाई करें, और साथ ही साथ सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर कर दीजिए। अभी अगले दो घंटे तक हम लोग अपने साथ बने रहेंगे और अभी जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं बता दूँ आपको कि आपके इस एग्जाम में जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, ज़्यादा क्वेश्चंस वन लाइनर बेसिस पे आएंगे, तो हम लोग ज़्यादातर उस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। तो एक बार सभी लोग फटाफट सेशन से कनेक्ट हो जाएं, सेशन के साथ जुड़ जाएं, ताकि मैं आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को आपके साथ स्टार्ट कर सकूं। ऑल ऑफ यू प्लीज डू कनेक्ट टू मी एज क्विकली एज पॉसिबल सो दैट आई कैन बिगिन द सेशन, आई कैन बिगिन द क्लास। ठीक है, दीपिका गोयल जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द क्लास, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज क्विकली शेयर द सेशन विथ योर डियर वंस, एवरीवन प्लीज डू इट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। जितने लोग लाइव आ चुके हैं सबों का बहुत बहुत स्वागत है, और एक बार सभी लोग सेशन को प्रमोट कर दें, एक बार शेयर कर दें सभी लोग सेशन को, ऑल ऑफ यू। चलिए, दीपिका गोयल, देन वी हैव द आर्ट, देन वी हैव कृष्णा चंद्रा, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन, लेट्स बिगिन द सेशन, लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर टुडे। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज डिस्कस कर दूं आपके साथ कि जो बच्चे हमारे साथ सीडीएस के लिए जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हमारा एस्पायर सीडीएस 2021 एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो 16th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्सपर्ट फैकल्टीज गाइडेंस और डाउट सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस एस्पायर सीडीएस 2 फाउंडेशन कोर्स की जो फी रखी गई है वो केवल 1999 है, और आप लोग इसको example.com के ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग इन करके परचेज कर सकते हो। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। सबों का बहुत बहुत स्वागत है, तन्नु, देन वी हैव विजेंद्र चौधरी, कामनी, निशा, देन वी हैव प्रीति शर्मा, शौविक, सोनी सिंह, वेरी गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। और साथ ही साथ जो बच्चे ओटीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एस्पायर ओटीए 2021 एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स लाया गया है, जिसकी फी रखी गई है 1499। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्सपर्ट फैकल्टीज गाइडेंस और डाउट सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और इसकी फी रखी गई है केवल 1499। और ये कोर्स भी आपका स्टार्ट हो चुका है 16th ऑफ अगस्त से। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार सेशन के शुरू होने से पहले सेशन को प्लीज एक बार अपने अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन को अटेंड कर सके। मैंने पहले ही कहा ये आखिरी प्रहार है हमारा एफकैट के ऊपर 28th ऑफ अगस्त की तैयारी जो है उसको और बेहतर करने के लिए आप लोगों के बीच में इस सेशन को लेकर के आया हूं, और करंट अफेयर से रिलेटेड ये सारा सेशन होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को, और आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द बाइक एम्बुलेंस व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ एंड सीआरपीएफ। पहला सवाल ये पूछा गया है कि डीआरडीओ और सीआरपीएफ द्वारा लॉन्च की गई उस बाइक एम्बुलेंस का क्या नाम है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। इज इट ए सुरक्षा, इज इट बी रक्षिता, इज इट सी शक्ति और इज इट डी रक्षा। ये आपने सुना होगा, इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन की है पहले। एक बार फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आपको उस बाइक एम्बुलेंस सर्विस का नाम बताना है जिसको कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो आप बताओगे डीआरडीओ, और साथ ही साथ बताओगे आप सीआरपीएफ के द्वारा। प्लीज गो फॉर द आंसर, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। जितने लोग लाइव हैं प्लीज एक बार इस क्वेश्चन के आंसर को रिप्लाई कीजिए। ऑल ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी, प्लीज रिप्लाई टू मी, क्या होगा इसका आंसर, तो आप क्या बताओगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज रक्षिता। क्या आंसर है इसका, रक्षिता। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, आज का अगला सवाल यह है,
कि हम आर्मी दिवस कब मनाते हैं, व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व, भारतीय सेना दिवस इनमें से कब मनाया जाता है, जनवरी 15 को, जनवरी 14 को, जनवरी 16 को या जनवरी 17 को। सेकेंड क्वेश्चन, वेरी गुड आफ्टरनून नरेश, मोस्ट वेलकम टू द क्लास, मोस्ट वेलकम टू द सेशन। जितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार सभी लोग सेशन को प्रमोट कर दें और शेयर कर दें। अगर हम आर्मी डे की बात करें तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, 15th ऑफ जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट की जाती है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विच यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट हैज स्टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर ने भारत के इनोवेशन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है, कौन सा यूनियन टेरिटरी या सिटी जो है उसने टॉप किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 को, इज इट ए दिल्ली, इज इट बी दमन एंड दीव, इज इट सी पुडुचेरी और इज इट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एक बार जो लोग लाइव आ चुके हैं प्लीज एक बार सेशन को आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ सेशन को लाइक भी कर दीजिए। जितने लोग लाइव हैं प्लीज डू इट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, जितने लोग लाइव आ चुके हैं सभी लोग एक बार प्लीज सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ सेशन को लाइक कर, जितने लोग लाइव आ चुके हैं प्लीज डू इट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस सभी लोग, एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दो और साथ ही साथ सेशन को शेयर कर दो जितने लोग लाइव हो आप लोग सेशन के ऊपर। चलिए बेहतरीन, एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, जितने लोग लाइव हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सबसे टॉप पे कौन सी हो जाएगी, इट्स द ए ऑप्शन दैट इज द दिल्ली, बिल्कुल सही है, इसका आंसर दिल्ली होगा। अगला सवाल ये है, हु हैज बिकम द फर्स्ट सेकेंड जेंटलमैन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दूसरे जेंटलमैन कौन बने। देखो फर्स्ट जेंटलमैन जो है वो हमेशा कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं वो हमेशा क्या होंगे, फर्स्ट जेंटलमैन, और सेकेंड जेंटलमैन कौन होते हैं, या तो वाइस प्रेसिडेंट या अगर कोई फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है तो उनके जो हस्बैंड होंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, सेकेंड जेंटलमैन होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इज इट जॉन्ग एमहॉफ, माइक पेंस, डोनाल्ड ट्रंप या नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट सेकेंड जेंटलमैन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो होंगे वो कौन होंगे आपको, तो बताओगे ए ऑप्शन दैट इज जॉन्ग एमहॉफ, ठीक है, जो कि हस्बैंड है वहां के वाइस प्रेसिडेंट के। अगला सवाल ये है, इंडिया हैज सेंट 1 million doses of COVID-19 vaccine as a gift to which of the following nation under the vaccine Maitri initiative? भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड वैक्सीन की 1 million खुराक किस देश को उपहार के रूप में भेजा है? इंडिया हैज सेंट 1 million doses of COVID vaccine as a gift to which nation under the vaccine Maitri initiative? ये बताना है आप लोगों को। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। 100+ वॉचिंग जानी चाहिए इस क्लास के अंदर। तो भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत ये जो कोविड वैक्सीन की 1 million खुराक है ये किस देश को उपहार के स्वरूप में भेजा है, ये सवाल पूछा गया है आप लोगों से, इसका प्लीज आंसर कीजिए। इज इट ए म्यांमार, इज इट बी मालदीव्स, इज इट सी ब्राजील और इज इट डी नेपाल, क्या बताओगे इसका आंसर आप लोग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द नेपाल। ये पूरा रिविजन सेशन है, मुझे ये देखना है कि आप लोगों को एफकेट 2 से पहले आपकी तैयारी कैसी है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। चलिए अगला सवाल यह है आपका, द थीम एनवाइजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस वॉज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, वैश्विक शांति बहाल के लिए युवाओं को बदलने हेतु शिक्षा प्रदान करना इसमें से किस अभियान का विषय रहा है, हैकाथन 2020, एडुकॉन 2020, इंटरनेशनल यूथ डे या फिर नेशनल यूथ डे। द थीम एनवाइजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस वॉज द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, हैकेथन 2020, इज इट एडुकॉन 2020, इज इट इंटरनेशनल यूथ डे और इज इट द नेशनल यूथ डे। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द रिस्पॉन्स। जितने लोग लाइव हैं प्लीज एक बार इसका आंसर बताइए आप लोग, छठे का आंसर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, इट्स द एडुकॉन 2020, क्या होगा इसका आंसर, एडुकॉन 2020, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल ये है, Which is the only US president to be impeached twice? एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है जिनपे दो बार महाभियोग चलाया गया या महाभियोग लाया गया, ठीक है ना, इज इट ए बिल क्लिंटन, इज इट बी रिचर्ड निक्सन, इज इट सी एंड्रयू जॉनसन और इज इट डी डोनाल्ड ट्रंप।
सेवेंथ का आंसर क्या होगा? द ओनली यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच ट्वाइस, हु इज द ओनली यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच ट्वाइस, एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जिसके ऊपर दो बार महाभियोग चलाया गया वो कौन है? बिल क्लिंटन है, रिचर्ड निक्सन है, एंड्रयू जॉनसन है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप है? क्या होगा इसका आंसर? तो आप बताओगे इट्स द डी ऑप्शन, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल सही है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप आंसर किया है वो लोग बिल्कुल करेक्ट है। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया जाता है? 7 जनवरी को, 8 जनवरी को, 9 जनवरी को, या 10 जनवरी को? आपको पता है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना, वतन वापसी हुई, अराइवल हुआ किस चीज का? तो आप बताओगे मोहनदास करमचंद गांधी का। और इनके आते ही इन्होंने जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था उसके पूरे आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव को चेंज कर दिया, और सब आने के बाद उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद और केरा, ये जो 3 जगह पे सत्याग्रह आंदोलन चलाए उससे पूरे देश को उन्होंने प्रभावित कर दिया। और इन्हीं के अराइवल डेट को, यानी कि जो 9 जनवरी है जब 1915 में ये आए थे, उसको हम लोग मनाते हैं किसके रूप में? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला सवाल ये है, हु हैज वोन द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर अवार्ड, किसने सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का खिताब जीता है? लूसी ब्रॉन्च ने, मैगन रैपिनो ने, टॉबिन हीथ ने, या एमेंडीन हेनरी ने? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वोन द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा क्या है? बताओगे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसका जो अवार्ड है फीफा वुमेन प्लेयर का, ये किसने जीता है ये पूछा गया। एनी आइडिया, एनी आंसर फॉर दिस? आप क्या बताओगे? जो ब्रिटिश फुटबॉलर है, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश फुटबॉलर जिनका नाम क्या है? लूसी ब्रॉन्च, ठीक है ना। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी खेलती है, क्लब के लिए, और जो इंग्लैंड की वुमेन फुटबॉल टीम है उसको ये रिप्रेजेंट करती है ब्रिटेन में। इसको ध्यान रखना है। जो 8th हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग बेसिन ऑफ इंडिया है इसको कहाँ खोला गया है? भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन किस स्थान पर खोला गया है? अशोकनगर, यामबोंग, जलपाईगुड़ी, या न्यू दीघा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको मार्क करना है, ठीक है ना। 8th हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग बेसिन ऑफ इंडिया इज ओपेंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इज इट अशोकनगर, इज इट यामबोंग, इज इट जलपाईगुड़ी, और इज इट न्यू दीघा? मैं बता दूं आपको कि पश्चिम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना, उसकी जो पहली ऑयल फील्ड है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है? अशोकनगर। और यहीं पे 8th हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग बेसिन ऑफ इंडिया जो है ये खोला गया है। और आपको बता दूं मैं, जो अशोकनगर है पश्चिम बंगाल में, ये कलकत्ता शहर से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 48 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता सिटी, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है ये जो ऑयल फील्ड है इसको रेगुलेट कौन करती है वेस्ट बंगाल में? ONGC, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसको आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला सवाल है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज वॉन द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड अंडर द ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस कैटेगरी? किस केंद्रीय मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता इस श्रेणी के अंतर्गत या तहत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता है? इसमें से कौन सी केंद्रीय मंत्रालय है जिसको कि स्कॉच चैलेंजर अवार्ड अंडर द ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस कैटेगरी से नवाजा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? इस क्वेश्चन को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज वॉन द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड अंडर द ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस कैटेगरी? एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो अपने अपने ग्रुप में, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड है अंडर द ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, यानी कि शासन में पारदर्शिता के लिए, दिया गया है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को। किसको दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को। बिल्कुल सही जवाब है तनु कुमारी और बाकी लोग जो इसमें जवाब दे रहे हैं, जिन्होंने भी बी ऑप्शन कहा है, दे आर एब्सोल्यूटली करेक्ट, दे आर एब्सोल्यूटली राइट। चलिए अगला सवाल यह है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म? द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगला सवाल आपसे यह पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म?
राम सेवक शर्मा, नंदन निलेकनी, एके सिकरी या फिर कृष्ण गोपाल कृष्णन, ये पूछा गया है आपसे। पूछा गया है ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म कौन है, तो आप क्या बताओगे इसका आंसर? राम सेवक शर्मा। क्या नाम है इसका? राम सेवक शर्मा। बिल्कुल सही है कामनी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम सेवक शर्मा। एक बार सभी लोग पूरे जोश के साथ सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो, जितने लोग लाइव हैं अपने अपने ग्रुप में अपने अपने दोस्तों के साथ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द आशियान सेक्रेटेरिएट इन जकार्ता, ठीक है ना, जकार्ता में जो आशियान की सचिवालय है उसमें से भारत का अगला राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? इज इट अजय कपूर, इज इट सुनील मित्तल, इज इट जयंत खोबरागड़े या फिर राजीव बजाज, ये पूछा गया है, ठीक है ना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू द आशियान सेक्रेटेरिएट इन जकार्ता। अच्छा, जहां भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको खुद ब खुद बता दूंगा। अभिजीत सिंह, मैं बिल्कुल एनडीए वालों को ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, आप शायद क्लास नहीं ले पा रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयंत खोबरागड़े। क्या होगा? जयंत खोबरागड़े, सी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन इज द स्टेटहुड डे ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा सेलिब्रेटेड? तीन राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन राज्यों का जो राज्य स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है? जनवरी 19 को, जनवरी 21 को, जनवरी 23 को या जनवरी 25 को, ये पूछा गया है। व्हेन इज द स्टेटहुड डे ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा सेलिब्रेटेड? ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर। स्टेटहुड डे ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा आर सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? एनी ऑप्शन, एनी आंसर, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। जितने लोग लाइव हैं प्लीज आप लोग सेशन के अंदर रिप्लाई जरूर कीजिएगा। आपको बता दो, ये जो लोग एग्जाम दे रहे हैं एफकैट के लिए उनके लिए प्रॉपर रिविजन है, और एफकैट के अलावा और भी डिफेंस एग्जाम जो आप अपीयर करोगे उन सब में ये सेशन आपको हेल्प करेगा। जनवरी 21 बी इज द करेक्ट आंसर, इसको ध्यान रखना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह, राजीव शुक्ला, राहुल द्रविड या फिर वसीम अकरम, प्लीज गो फॉर द आंसर। जो हमारा एशियन क्रिकेट काउंसिल है, पूछा गया है इसके प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, प्लीज गो फॉर द आंसर, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, इसकी जो स्थापना है, ये पूछा जाए कब किया गया था, तो आप बताओगे 19 सितंबर 1983 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है आपको, तो आपको ध्यान रखना है कोलंबो, जो कि कहां है? श्रीलंका में। ये आपको ध्यान रखना है, कोलंबो श्रीलंका में इसका क्या है? मुख्यालय है। और इसके जो नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए वो कौन है? अमित शाह के लाडले, दैट इज द जय शाह। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जय शाह। चलिए, व्हेन डू वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड लेप्रसी डे, हम विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं? विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रसी डे, 24th of January, 25th of January, 30th of January एंड 3rd March। आपने एक नाम सुना होगा बाबा आमटे का, बाबा आमटे, और इनके जो बेटे और बहू हैं, दैट इज प्रकाश और मंदाकिनी आपटे, आपटे, ठीक है ना। इन्होंने बहुत ज्यादा अपने पूरे लाइफ को डेडिकेट कर दिया है उन लोगों के प्रति जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, और महाराष्ट्र में इनका एक बहुत बड़ा आश्रम है जहां पे ये कुष्ठ से पीड़ित लोगों को क्या करते हैं? रिहैबिलिटेट करते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए काम करते हैं। और ये जो वर्ल्ड लेप्रसी डे है ये आपको ध्यान रखना है 30th of January को क्या किया जाता है? सेलिब्रेट। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई, जितने लोग लाइव हो। ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट द इंडियन कोस्ट गार्ड डे, हम भारतीय तट रक्षक दिवस जो है ये किस दिन मनाते हैं? 1st February को, 8th March को, 24th January को या 31st January को? जो इंडियन कोस्ट गार्ड डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये आपसे पूछा गया है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, प्लीज गो फॉर द आंसर। सभी लोग एक बार, जितने लोग लाइव हैं सभी लोग मुझे आंसर करें कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड डे है, जो भारतीय तट रक्षक दिवस है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप क्या बताओगे? 1st February को। कब किया जाएगा?
एक फरवरी को, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल ये है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक हैज बीन लॉन्च्ड, भारत के किस भाग में भारत का पहला, ठीक है ना, एम्प्यूटी क्लिनिक जो है वो लॉन्च किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पीजीआईएमसी, आपने नाम सुना होगा पीजीआईएमसी का, कितने लोगों ने सुना है पीजीआईएमसी का नाम? हां जी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द पीजीआईएमसी, जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, पीजीआईएमईआर, PGIMER, ये ध्यान रखना है, PGIMER, छोड़ो PGIMER, ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके द्वारा चंडीगढ़ में ये पहला एम्प्यूटी क्लिनिक जो है वो क्या किया गया है, लॉन्च किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला सवाल ये है, हु हैज पेंड द बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट जो है इसकी पुस्तक कब लिखी गई थी, किसने लिखी है, दलाई लामा ने, अमित त्रिपाठी ने, अरुंधति रॉय ने, या लालकृष्ण आडवाणी ने, ये पूछा गया आपसे, हु हैज रिटन द बुक और हु हैज पेंड द बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ठीक है ना। आप, मैं बाइलिंगुअल करा रहा हूं जान के, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई फटाफट। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसकी है, दलाई लामा की। दलाई लामा के बारे में ध्यान रखना है कि 1959 में इनको, आपको ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल एसाइलम या रिलीजियस एसाइलम कह सकते हो, कि राजनीतिक संरक्षण दिया गया था, ठीक है ना, किसके द्वारा, तो आप बताओगे पंडित नेहरू के द्वारा। और आपको बता दूं मैं कि जो तवांग है, कहां पर, तवांग मोनेस्ट्री जो है आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे सबसे पहले दलाई लामा का आगमन हुआ था। और आपको ध्यान रखना है जो मैक्लॉयडगंज है, जो मैक्लॉयडगंज है आपका कहां पे, हिमाचल प्रदेश में, ये इनका परमानेंट रेसिडेंस है आज के हिसाब से, ये ध्यान रखना है। हु हैज टेकन द चार्ज एज द सीईओ ऑफ अमेजॉन, अमेजॉन के नए सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, सत्या नाडेला, एंडी जेसी, मैकेंजी स्कॉट, या जेफरी प्रेस्टॉन, ये पूछा गया है। हु हैज टेकन एज द चार्ज ऑफ द एज द न्यू सीईओ ऑफ द अमेजॉन, अमेजॉन के न्यू सीईओ के रूप में किसने पदग्रहण या पदभार संभाला है, इज इट सत्या नाडेला, इज इट एंडी जेसी, इज इट मैकेंजी स्कॉट, या फिर इज इट जेफरी प्रेस्टॉन। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर, जितने लोग लाइव हैं तो आप क्या बताओगे, इट्स द बी ऑप्शन, एंडी जेसी। और सत्या नाडेला किसके सीईओ हैं, तो आप क्या बताओगे, माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके सीईओ क्या हो जाएंगे, सत्या नाडेला, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए, व्हेन डू वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड कैंसर डे, ये पूछा गया, हम विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाते हैं। आपको एक वर्ड सुना होगा ऑन्कोलॉजी, ये ध्यान रखना, ऑन्कोलॉजी क्या क्या होता है, तो आप बताओगे स्टडी ऑफ कैंसर, जो कैंसर का अध्ययन है उसको हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और ये पूछा गया है कि जो विश्व कैंसर दिवस है ये कब मनाया जाता है, 30th of January को, 4th of February को, 3rd of February को, या 3rd of March को। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू कि व्हेन डू वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड कैंसर डे, ये पूछा गया है आपसे कि जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये कब सेलिब्रेट की जाती है। एक बार सभी लोग रिप्लाई करें इस क्वेश्चन के आंसर को, वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21st का आंसर क्या होगा, इट्स द बी ऑप्शन, दैट इज द 4th of February। और यार बता दूं मैं आपको कि कैंसर ट्रीटमेंट का सबसे जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड में वो कहां पे है, तो आप बताओगे आप ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। अगला सवाल ये है कि इन विच ईयर फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी वाज ऑब्जर्व, ये पूछा गया, पहला अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो है वो किस वर्ष मनाया गया था, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी वाज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, 2021, 2020, 2010 या 2008, इन विच ईयर फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी वॉज ऑब्जर्व, प्लीज गो फॉर द आंसर, पहला अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो है ये किस वर्ष मनाया गया था, ये आपसे पूछा गया है, 2021 में, 2020 में, 2010 में, या 2008 में, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द रिस्पॉन्स एवरीवन, क्या होगा इसका आंसर, तो बताओगे 2021 में। एक बार सभी लोग सेशन को प्रमोट कर दो और एक बार लाइक कर दो आप लोग। अमेजोनिया वन सैटेलाइट has been launched from which of the following center?
जो अमेजोनिया एक उपग्रह है ये किस केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है? जीक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, गुयाना स्पेस सेंटर या कैनेडी स्पेस सेंटर? अमेजोनिया वन सैटेलाइट जो है इसको इनमें से कहां से लॉन्च किया गया ये पूछा गया है आपसे, ठीक है ना? अमेजोनिया वन सैटेलाइट, प्लीज गो फॉर द आंसर। जितने लोग लाइव हैं आपको ध्यान रखना है ये पहला अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है जिसको कि डेवलप किया गया है, डेवलप्ड बाय विच वन, तो आप बताओगे ब्राजील। इसको किसने विकसित किया है तो आप बताओगे ब्राजील। और इसको डेवलप करने में अर्जेंटीना के स्पेस एजेंसी ने भी इसका क्या किया है तो आप बताओगे सहयोग किया है। और जो ब्राजील की नेशनल इंस्टीट्यूट, ब्राजील की जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च, इसने इसको क्या किया है तो आप बताओगे मैन्युफैक्चर। इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च कहाँ की तो आप बताओगे ब्राजील की। और इसको लॉन्च किया गया है कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु हैज ऑथर्ड द बुक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ठीक है ना? प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, इस पुस्तक को किसने लिखी है? रघुराम राजन ने, संगीत पॉल चौधरी ने, गोपिका चंद्रा ने या दीपक घोष ने, ये पूछा गया है। हु हैज ऑथर्ड द बुक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर एवरीवन। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, इस पर्टिकुलर बुक को किसने ऑथर किया है, किसने लिखा है तो आप क्या बताओगे? संगीत पॉल चौधरी ने। किसने? संगीत पॉल चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच इंडियन स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द एशियाज लार्जेस्ट कैटल पार्क? किस भारतीय राज्य ने एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किया है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू कि विच इंडियन स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द एशियाज लार्जेस्ट कैटल पार्क? इज इट ए केरल, इज इट बी कर्नाटक, इज इट सी तमिलनाडु और इज इट डी उत्तर प्रदेश? विच इंडियन स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द एशियाज लार्जेस्ट कैटल पार्क? ये सवाल पूछा गया आपसे, प्लीज गो फॉर द रिस्पॉन्स। जितने लोग लाइव हैं एक बार प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर दें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज सेशन को लाइक और शेयर कर दें। जितने लोग लाइव हैं प्लीज डू इट। तो आप क्या बताओगे? तमिलनाडु। तो किस भारतीय राज्य ने, अगर पूछा जाए कि एशिया के सबसे बड़े जो मवेशी पार्क है इसका उद्घाटन किया है तो आप क्या बताओगे? इट्स द तमिलनाडु। इसको ध्यान रखना है। वेन डू वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंसेस? हम विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है कब मनाते हैं? 11th of February, 12th of February, 11th of March और 12th of January? When do we celebrate the International Day of Women's and Girls in Science? International Day of Women and Girls in Science जो है, ये कब celebrate किया जाता है? ये पूछा गया है। This is the question for you. Please go for the reply. Please go for the answer. I think आप लोगों को सेशन में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। बच्चे बहुत कम हो गए हैं। ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल हो गए बच्चे। मुझे लग रहा है कि यू पीपल आर नॉट एंजॉइंग द सेशन, नॉट एंजॉइंग द क्लास। अब मैं ऐसा कोई भी मैराथन आपके लिए लाऊंगा ही नहीं, मैंने सोच लिया है। खैर कोई बात नहीं, आज के सर आज झेल लो। 11th का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्हेन व्हिच ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन क्ले? कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है इसको मिट्टी पर खेला जाता है? देखो चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। आपको ध्यान रखना है कि विंबलडन जो है ये किस पे खेला जाता है? ग्रीन ग्रास कोर्ट, ग्रीन ग्रास कोर्ट के ऊपर, ठीक है ना? फ्रेंच ओपन जो है ये किस पे खेली जाती है? ये क्ले कोर्ट होता है। ये क्या होता है? क्ले कोर्ट। इसको हम बोलते हैं रेड क्ले, लाल बजरी। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन जो होती है ये किस पे होती है तो आप बताओगे? आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास पे, आर्टिफिशियल। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट्स द बी ऑप्शन। इसको ध्यान रखना है। एंड राफेल नडाल इज द किंग ऑफ द फ्रेंच कोर्ट। व्हेन वाज द फेथ पॉलिसी फेडरेशन एस्टैब्लिश? फेथ पॉलिसी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया है। फेथ पॉलिसी फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया आप लोगों से। फेथ
पॉलिसी फेडरेशन। व्हाट इज फेथ? फेथ इज बेसिकली फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये हमारा फेथ है। और ये बेसिकली इंडिया के अंदर जो टूरिज्म सेक्टर है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट की गई थी सबसे पहले कब, 2013 में। और फेथ पॉलिसी फेडरेशन ने कहा है कि हमारे इंडिया में पेंडेमिक से पहले जो सबसे अधिक टूरिज्म का अट्रैक्शन था वो कहां से होता था, तो आप बताओगे अमेरिका से। इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2013 में। द गो इलेक्ट्रिक कैंपेन विल स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, जो गो इलेक्ट्रिक अभियान है ये लोगों में किस बारे में जागरूकता फैलाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक कुकिंग या ऑल ऑफ द अबव। जो गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है ये बेसिकली लोगों को अवेयर करेगा, ये लोगों को जागरूक करेगा इनमें से किस चीज के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में या उपरोक्त सभी, ये पूछा गया आपसे। द गो इलेक्ट्रिक कैंपेन विल स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, एब्सोल्यूटली ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया, कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, ये पूछा गया है, ठीक है ना। प्लीज टेल मी अबाउट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया। देखो सबसे बड़ा जो ऑयल सप्लायर है वो कौन सा है, इराक, ठीक है ना। नंबर सेकेंड पे आ गई है कौन सी, तो आप बताओगे यूएसए। नंबर सेकेंड पे क्या आ जाएगी, यूएसए। और थर्ड पे आपका कौन सा आ जाएगा, तो आप बताओगे सऊदी अरेबिया। ये जो तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं ये इंडिया का लार्जेस्ट क्या है, ऑयल सप्लायर है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला सवाल ये है कि हु हैज ऑथर्ड द बुक प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश द स्टोरी राजा रवि वर्मा, ये पूछा गया है। प्रिंस विथ अ पेंट ब्रश द स्टोरी राजा रवि वर्मा, इस पुस्तक को किसने लिखी है, शशि थरूर ने, शोभा थरूर ने, लक्ष्मी नारायण ने या एम श्रीनिवासन ने, ये पूछा गया है। Who has authored the book Prince with a Paintbrush, the story Raja Ravi Verma? Prince with a Paintbrush, the story Raja Ravi Verma, इस बुक को किसने author किया है, किसने लिखा है, ये पूछा गया आप लोगों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे शोभा थरूर। सो बी इज द करेक्ट आंसर, इज द शोभा थरूर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री रिमेन्स द बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर ड्यूरिंग 2016-20, हाल के जो सिप्री रिपोर्ट है उसके अनुसार 2016 से 20 के दौरान कौन सा देश सबसे बड़ा हथियारों का आयातक बना हुआ है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो इनमें से किस कंट्री से होती है, इसको वो कौन सी कंट्री है, ये पूछा गया आपसे सिप्री रिपोर्ट के अंदर। व्हाट इज सिप्री, तो सिप्री का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, दिस इज द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। इसके हिसाब से यूएस जो है वो सबसे टॉप पे है, इसको ध्यान रखना है आपको। और ये जो सिप्री है ये आपको ध्यान रखना है, इट इज एन इंडिपेंडेंट, ये एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एजेंसी है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अगला सवाल ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्बम्स हैज वोन द बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर इन 63rd ग्रैमी एनुअल अवार्ड 2020, निम्नलिखित में से किस एल्बम ने 63rd ग्रैमी एनुअल अवार्ड 2020 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम का किताब जीता है, फेच द बोल्ड कटर्स, फ्यूचर नॉस्टैल्जिया, पनिशर या फिर फोकलोर, ये पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्बम्स हैज वन द बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर इन द 63rd ग्रैमी अवार्ड्स, प्लीज गो फॉर द आंसर।
हाँ जी, आपको ध्यान रखना है अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर जिनका नाम है टेलर स्विफ्ट, उनकी एल्बम है फोकलोर। उन्होंने 63rd ग्रैमी एनुअल अवार्ड्स में क्या है बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया, ये ध्यान रखना है। फोकलोर। ऑन विच रिवर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया है, रावी, चेनाब, गंगा या झास्कर, ये पूछा गया आपसे। विश्व के सबसे ऊंची जो रेलवे ब्रिज है इसका निर्माण पूछा गया है कि किस नदी के तट पर किया गया है या किस नदी के ऊपर किया गया है, ये सवाल पूछा गया आपसे। रावी, इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका चेनाब, गंगा और झास्कर, क्या बताओगे आप लोग? तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये कंस्ट्रक्ट की गई है किसके ऊपर, तो आप बताओगे चेनाब के ऊपर। बी इज द करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रखना है। इन जो कश्मीर से लेकर के काजीगुंड, ये जो रेलवे ट्रैक बनाई जा रही है उसके ऊपर इसको बनाया गया है, कश्मीर से काजीगुंड के ऊपर। रिसेंटली इनॉग्रेटेड मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है उनमें से किस नदी पर बनाया गया है, तीस्ता पे, मेघना पे, ब्रह्मपुत्र पे या फेनी। ये जो मैत्री सेतु नाम की पुल है ठीक है ना, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, ये इनमें से किस नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। एक बार जितने लोग लाइव हैं सेशन को प्लीज आप लोग लाइक कर दो और शेयर कर दो, एक बार जितने लोग लाइव हैं प्लीज सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द फेनी, डी इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज रैंक्ड फर्स्ट इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स बाय द हेरिटेज फाउंडेशन, द हेरिटेज फाउंडेशन ने किस देश को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान दिया है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे पहले स्थान पे कौन सा राष्ट्र है, इज इट ए सिंगापुर, इज इट बी स्विट्जरलैंड, इज इट सी फ्रांस और इज इट डी यूएसए। विच कंट्री हैड बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द फ्रीडम इंडेक्स बाय द हेरिटेज फाउंडेशन, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर। विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स बाय द हेरिटेज फाउंडेशन, क्या होगा इसका आंसर सभी लोग? आप क्या बताओगे? इट्स द सिंगापुर, इट्स द सिंगापुर, इसको ध्यान रखना है, इट्स द सिंगापुर। फर्स्ट पे कौन हो जाएगा? सिंगापुर, याद रखना है। अगला सवाल ये है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया? अच्छा क्वेश्चन है ये, दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है वो किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा डिप्लोयड किया गया है? चलो उसका नाम बताता हूं मैं, फुगाकू, फुगाकू, ये ध्यान रखना है। जो फुगाकू है ये सबसे टॉप मोस्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है इन टॉप 500 रैंकिंग, ठीक है ना, ये अभी तक का सबसे पावरफुल है। इसको जब विकसित किसने किया है तो आप क्या बताओगे? जापान ने। जितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो और सेशन को लाइक कर दो प्लीज, जितने लोग लाइव आ चुके हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया या शेयर नहीं किया है प्लीज एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला सवाल ये है, विच टू कंट्रीज हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम ब्राउन कोल, ये पूछा गया है, किन दो देशों ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का जो उत्पादन है उसको शुरू किया है, भारत और जापान ने, अमेरिका और यूएई ने, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने और ऑस्ट्रेलिया और भारत ने, ये पूछा गया है। विच टू कंट्रीज हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द ब्राउन कोल, किन दो देशों ने भूरे कोयले का प्रयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन जो है वो शुरू किया है, इंडिया जापान, यूएस यूएई, जापान ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, प्लीज गो फॉर द आंसर सभी लोग। ब्राउन कोल को यूज करके किन दो कंट्रीज ने हाइड्रोजन को बनाने की शुरुआत की है, तो आप क्या बताओगे? इट्स द जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल यह है कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज, हम नवरोज का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, 20th मार्च, 21st मार्च, 22nd मार्च
23rd मार्च व्हेन डू वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज, जो अंतरराष्ट्रीय नवरोज दिवस है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूछा गया आप लोगों से। When do we celebrate the International Day of Nowroz? Nowroz का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया आप लोगों से। Please go for the reply. तो आप क्या बताओगे? It's the 21st of March. कब होगा? 21st of March को। ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि What is the theme of the World Tuberculosis Day 2021? जो विश्व क्षय रोग दिवस है, इसका विषय क्या है? World Tuberculosis Day. World Tuberculosis Day का सब्जेक्ट क्या है या विषय क्या है? ये पूछा गया है। वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे, और ध्यान रखना है जो वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे है ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24th मार्च को। 24th मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे, और इसका थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग, The clock is ticking. This is the theme of the World Tuberculosis Day. ये ध्यान रखना है। Which country has recently launched 38 foreign satellites from 18 countries in historic mission? किस देश ने हाल ही में 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों को ऐतिहासिक मिशन के तहत शामिल किया है? अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया। Which country has recently launched 38 foreign satellites from 18 countries in a historic mission? ये पूछा गया है आप लोगों से। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर एवरीवन। क्या होगा इसका आंसर, ये पूछा गया आप लोगों से। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। तो आप क्या बताओगे इसका आंसर? इट्स द डी ऑप्शन, दैट इज रशिया। क्या होगा इसका आंसर? डी, दैट इज रशिया। अगला सवाल ये है आपसे, विच यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड ट्यूबरक्लोसिस फ्री? किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में टीबी मुक्त घोषित किया है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। विच यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड टीबी फ्री? इज इट ए पुडुचेरी, इज इट बी चंडीगढ़, इज इट सी जम्मू एंड कश्मीर, और इज इट डी लक्षद्वीप? ये पूछा गया आपसे। विच यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड टीबी फ्री? हम लोग 16 लाइक्स दूर है 100 से। एक बार सभी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया है सेशन को, प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए और सेशन को प्रमोट भी कर दीजिए जितने लोग लाइव है। विच यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ट्यूबरक्लोसिस फ्री? पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या फिर लक्षद्वीप? तो क्या बताओगे? इट्स द डी ऑप्शन, दैट इज लक्षद्वीप। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल यह है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कार्गो विच हैज ब्लॉक्ड स्वेज कैनाल फॉर ऑलमोस्ट अ वीक? उस कार्गो का क्या नाम है जिसने स्वेज नहर को लगभग एक सप्ताह के लिए अवरुद्ध कर दिया था? एमवी अमास्त्रा, एलेक्सिया, एम्पायरशिप या एवरग्रीन? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि वर्ल्ड की जो सबसे बिजीएस्ट कैनाल है वो सुएज कैनाल है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1868 वो ईयर है जब इसको क्या किया था, ओपन किया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। और वो जो शिप है जिसको कि जिसने ब्लॉक किया सुएज कैनाल को, उसका नाम क्या है? एवरग्रीन। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो एवरग्रीन है ये आपको ध्यान रखना है, एक जापानीज कंपनी है उसकी ये शिप है ये, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। In which region new species of lichenid butterfly has been discovered? जो lichenid तितली की नई प्रजातियां हैं, ये किस क्षेत्र में खोजी गई है? lichenid butterfly जो प्रजाति है ये कहां पे खोजी गई है? ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में, या नन ऑफ दीज? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। इन विच रीजन द न्यू स्पीसीज ऑफ lichenid butterfly has been discovered? जो lichenid तितली की नई प्रजाति है, इसकी खोज इनमें से किस क्षेत्र में की गई है? ये सवाल है आप लोगों से। आपको मैंने हमेशा एक चीज बताया है कि जब कभी भी इंडिया में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाए आपका, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो वेस्टर्न घाट्स है आप उसके साथ जा सकते हो। क्योंकि बता दूं मैं आपको कि जो वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पूरे भारत के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं? वेस्टर्न घाट, जो कि जानी जाती है किस नाम से, तो आपको ध्यान रखना है सहयाद्री। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज द सहयाद्री। ये ध्यान रखना है आप लोगों को।
चलिए एक बार सभी लोग सेशन को प्रमोट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल, किस संस्था ने स्वदेशी और जनजातीय लोगों द्वारा वन शासन नाम की रिपोर्ट जारी की है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर क्विकली। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग, और ये बहुत ही डिफरेंट आंसर है, बता दूं ये बहुत ही डिफरेंट आंसर है, जो आप सोचोगे वो आंसर नहीं होगा इसका। मैंने आपको एक हिंट दिया है कि जो आप सोच रहे हो वो आंसर नहीं है। फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल, किस संस्था ने स्वदेशी और जनजातीय लोगों द्वारा वन शासन नाम की रिपोर्ट जारी की है? फॉरेस्ट गवर्नेंस रिपोर्ट, स्किप, दिस इज फाओ। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है तो आप क्या बताओगे? रोम, इटली में। ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल यह है कि व्हाट वाज द एम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री फार्म्स, सैन्य फार्म के गठन का उद्देश्य क्या था? अभी इंडिया में बहुत जगह पे मिलिट्री फार्म्स बनाए गए हैं, और इन मिलिट्री फार्म्स को बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रीजन है? पहला है टू सप्लाई द हाइजेनिक काउ मिल्क, ठीक है ना। दूसरा है टू सप्लाई काउ फैट, टू सप्लाई वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड डी इज बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। ये पूछा गया, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री फार्म्स? मिलिट्री फार्म्स के फॉर्मेशन के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रखा गया है, ये पूछा गया है। एक बार सभी लोग रिप्लाई करें इस क्वेश्चन के आंसर को, जितने लोग लाइव हैं, और साथ ही साथ प्लीज एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दो और लाइक कर दो एवरीवन। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। क्या होगा इसका आंसर? टू सप्लाई हाइजेनिक काउ मिल्क, ये ध्यान रखना है। संकल्प से सिद्धि, विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव इज एन इनिशिएटिव ऑफ, संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव की एक पहल है, इनमें से किस संस्थान की? ट्राइफेड, नीति आयोग, ग्रीन पीस या नन ऑफ द अबव? प्लीज गो फॉर द आंसर। इसका आंसर क्या होगा? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर। आपको ध्यान रखना है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा इनिशिएट लिया गया है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का, ठीक है ना। ट्राइफेड का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कहां पे है तो आप बताओगे न्यू दिल्ली में, और इसकी जो नोडल एजेंसी है, जो इसकी अगर पूछा जाए किस मिनिस्ट्री के अंदर ये फंक्शन करती है ट्राइफेड, तो आप बताओगे ट्राइफेड इज गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये किसके द्वारा होती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो ध्यान रखना आपको रमेश चंद्र मीना, आरसी मीना, रमेश चंद्र मीना जो है ये चेयरमैन है आपके किस चीज के, तो आप बताएंगे ट्राइफेड के, चेयरमैन ऑफ ट्राइफेड, ये ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए आज का अगला सवाल ये है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड द एमओयू फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एंड एक्सचेंज रिसेंटली, किस देश के साथ भारत ने हाल ही में शैक्षणिक और अनुसंधान और विनिमय के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए अमेरिका, बी जापान, सी साउथ कोरिया और डी ऑस्ट्रेलिया। विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एंड एक्सचेंज रिसेंटली? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर। आपको ये बताना है किस कंट्री के साथ भारत ने एमओयू साइन किया है एकेडमिक एंड रिसर्च एंड एक्सचेंज के ऊपर? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। वेरी गुड आकांक्षा सोनी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या होगा इसका आंसर? इट्स द जापान। ब्रिलियंट। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत और जापान के बीच में एकेडमिक और रिसर्च कोऑपरेशन और एक्सचेंज के ऊपर क्या है, एग्रीमेंट साइन हुई है। इसमें यूनियन कैबिनेट की अध्यक्षता की गई थी पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है ना।
जिन्होंने इस एमओयू को अप्रेजल किया है और ये जो साइन किया गया वो है किसके बीच में, तो नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन स्फीयर क्वेटो यूनिवर्सिटी जापान के बीच में, इसको ध्यान रखना आपको। तो नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी और जो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन स्फीयर जो क्वेटो की यूनिवर्सिटी है उसके बीच में ये साइन किया गया है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेटअप बाई द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाई, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर की थी, जिसके प्रमुख कौन थे, जी वी रामकृष्णा, एम चक्रवर्ती, एच एस आलूवालिया या के संथानम। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, पूछा गया है कि इसकी जो स्थापना है वो किसके सिफारिश पे की गई थी। मैं बता दूं कि 1964 में ये जो कमिटी है, ये जो समिति है, इसको फॉर्म किया गया था और इसके हेड कौन थे, तो आप क्या बताओगे, के संथानम। बिल्कुल पूर्णिमा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इसको ध्यान रखना है आपको। तो सीबीसी को सेटअप किया गया था सरकार के द्वारा फरवरी 1964 में और इसकी सिफारिश जो की गई थी वो कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन थी, जिसको हेड किया गया था श्री के संतानम के द्वारा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। विच कंट्री हैज अर्ज द नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीड अप हिज कंट्रीज मेंबरशिप इन द अलायंस, किस देश ने गठबंधन में अपने देश की सदस्यता को गति देने के लिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन से आग्रह किया है कि वो सदस्यता के अंदर तेजी लाए, ये किसके द्वारा लाया गया है ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग हैं, ये बात किसने कही है, रशिया ने, भारत ने, यूक्रेन ने या पाकिस्तान ने, किसने अर्ज किया है नाटो को टू स्पीड अप हिज कंट्रीज मेंबरशिप इन द अलायंस, तो उसको जल्द से जल्द नाटो संगठन में सम्मिलित किया जाए, ये बात किस देश ने कही है नाटो को, या इसमें से किस देश ने नाटो को इस बात के लिए गुहार लगाई है, ये सवाल पूछा गया आप लोगों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द यूक्रेन, और यूक्रेन की जो कैपिटल है वो क्या है, तो आप बताओगे कीव, ये ध्यान रखना। चलिए तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए, अभी 50 क्वेश्चंस और बाकी है, आप लोग मेरे साथ बने रहना अभी, ठीक है ना। एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि जो भी लोग एस्पायर सीडीएस 2, जो भी लोग सीडीएस सेकंड की तैयारी करें उनके लिए एस्पायर सीडीएस 2 2021 एक फाउंडेशन कंप्लीट फाउंडेशन बैच लाया गया है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, गाइडेंस बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज और डाउट सेशन दिया जाएगा आपको। इस कोर्स की फी रखी गई है 1999 और ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, 16th August 2021 से। आप example.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, और जो लोग ओटीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आया है एस्पायर ओटीए 2021, जो कि एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसमें भी आपको डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्सपर्ट फैकल्टीज, गाइडेंस और डाउट सेशन प्रोवाइड की जाएगी। जो लोग ओटीए के कोर्स लेना चाहते हैं, इस ओटीए का कोर्स भी रखा गया है 1499 और ये बैच भी स्टार्ट हो चुकी है 16th August 2021 से। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए आज का अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ हैज रिसेंटली वाज रिसेंटली न्यूज एंड इट विल बी सेटअप एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ है इसकी स्थापना क्या कहां पे की जाएगी। मैं बता दूं ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ है ये बेसिकली लोगों को अवेयर करेगा और सेफगार्ड करेगा ऐसे कॉन्टेमिनेटेड डिजीजेस से जो कि फैलती है बैक्टीरिया से, वायरसेस से, एनिमल और एनवायरमेंटल एनवायरमेंट के संपर्क में आने से, ठीक है ना। तो इन सभी डिजीजेस के लिए समाधान प्रोवाइड करेगी ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, ठीक है ना। इसको आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे लाया जाएगा, तो आप क्या बताओगे, महाराष्ट्र के नागपुर में, जो सिटी ऑफ ऑरेंजेस है, नागपुर के अंदर। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द नागपुर, ठीक है ना। द इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड्स वर्जन 2.0 वॉज लॉन्च बाय, भारत ऊर्जा डैशबोर्ड संस्करण 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नीति आयोग, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई,
इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.4, आप क्या बताओगे? नीति आयोग, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मानस नेशनल पार्क लोकेटेड, इनमें से किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है? जो मानस नेशनल पार्क है ये कहाँ पे स्थित है, असम में, सिक्किम में, हिमाचल में या फिर ओडिशा में, ये पूछा गया है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मानस नेशनल पार्क लोकेटेड। ऑल ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी, प्लीज रिप्लाई टू मी। जितने लोग लाइव हैं प्लीज एक बार सेशन को रिप्लाई कर दें, सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर भी कर, जितने लोग लाइव हैं प्लीज गो फॉर इट। सभी बच्चे एक बार सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दें। हाँ जी बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? तो आप बताओगे असम में, क्या होगा असम में। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे फेमस कौन सा हो जाएगा, तो आप बताओगे कालीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है लोबित है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डिब्रू साइखोवा है। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे हैं तो आप बताओगे मानस असम में। मानस ऐप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इट प्रोवाइड हेल्प टू द स्टूडेंट्स, इट प्रमोट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, दिस इज द न्यू कोविड 19 ट्रैकिंग ऐप और दिस इज द रजिस्टर्ड, दिस इज द ऐप विच इज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द माइग्रेंट लेबरर्स, ये पूछा गया है। हाँ जी बच्चों, इसका आंसर बताओ मुझे आप लोग। मानस ऐप, देखो जो मानस है इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ऑगमेंटेशन सिस्टम तो ये जो मानस ऐप है ये किसमें हेल्प करेगा आप लोगों को, तो आप क्या बताओगे? तो ये बेसिकली हेल्प करेगा आपको किस चीज के अंदर, फॉर प्रमोटिंग द पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखना आपको। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मानस स्टैंड्स फॉर मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, जो कि बेस्ड है कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेस और लाइफ स्किल्स पे। जीसी मुर्मू हैज बीन चोजन एज द एक्सटर्नल ऑडिटर बाय द ओपीसीडब्ल्यू इन इंडियाज, जीसी मुर्मू जिनको कि ओपीसीडब्ल्यू द्वारा बाहरी ऑडिटर के रूप में चुना गया है, दिस इज प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये भारत के क्या है, कैग हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ जस्टिस हैं या नन ऑफ दीज, ये पूछा गया है। जो जीसी मुर्मू जिनको कि चूज किया गया एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में ओपीसीडब्ल्यू के द्वारा, ये भारत के किस पद पर है, ये पूछा गया है, ये बताओ आप लोग। तो क्या बताओगे आप? कैग। अगला सवाल यह है आप लोगों से, जीसी मुर्मू जो कि इंडिया के कैग हैं, इनको अपॉइंट किया गया एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स एट द हेग। ओपीसीडब्ल्यू क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसको ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। Mutations in which gene
डज कॉज हर्लेक्विन इक्थाइनोसिस, जो जीन में परिवर्तन हर्लेक्विन मत्स्यपन कारण होता है वो कौन सा जीन है? म्यूटेशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीन डज कॉज हर्लेक्विन इक्थियोसिस? क्या बताओगे इसका आंसर? इट विल बी बी ऑप्शन, ABCA12। इसमें एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, रिसेंटली हाल ही में ओडिशा ने हर्लेक्विन इस्थियोसिस के साथ पैदा हुए बच्चों के अपने पहले मामले की रिपोर्ट की, जो एक दुर्लभ अनुवांशिक त्वचा है। ये क्या है? एक रेयर जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर है। यानी कि ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग हर्लेक्विन इक्थियोसिस को, ये है क्या? तो आप बताओगे जेनेटिक, बहुत ही रेयर स्किन डिसऑर्डर है, जिसमें जो उड़ीसा है वहां पे कई सारे बच्चे इस डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है। इसको आपको ध्यान रखना है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे 2021? विश्व मलेरिया दिवस 2021 का विषय क्या था? वर्ल्ड अगेंस्ट मलेरिया, बैटल अगेंस्ट मलेरिया टू विन, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, एंड नन ऑफ द अबव। व्हाट वाज द थीम ऑफ, पूछा गया है वर्ल्ड मलेरिया डे, जो विश्व मलेरिया दिवस है, इसकी थीम क्या रखी गई है, ये पूछा गया है आप लोगों से। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर। वर्ल्ड मलेरिया डे का थीम क्या था? वर्ल्ड अगेंस्ट मलेरिया, बैटल अगेंस्ट मलेरिया टू विन, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, या नन ऑफ दीज? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। एक बार जितने लोग लाइव आ चुके हैं, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक या शेयर नहीं किया है, प्लीज आप लोग एक बार इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट जो है ये रखा गया है क्या, तब बताओगे थीम ऑफ 2021 मलेरिया डे। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल ये है आप लोगों से, देखो जीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन, द रिपोर्ट टाइटल जीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन रिलीज किया गया था WHO के द्वारा, ठीक है ना, वर्ल्ड मलेरिया डे से उपलक्ष्य में। इसको आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली सीन इन न्यूज Python 5 क्या है? हाल ही में समाचार में देखा गया, ये जो पाइथन 5 है ये क्या है? एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, या नन ऑफ द अबव? प्लीज गो फॉर द आंसर। ये पूछा गया आप लोगों से, ये जो पाइथन 5 है ये बेसिकली क्या है? आपको ध्यान रखना है ये हमारा स्वदेशी इंडिजेनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है ना, जिसको कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा? तो आप बताओगे DRDO, ठीक है। अब सवाल यह है कि ये किस तरह का मिसाइल है, तो बताओगे एयर टू एयर। क्या है ये? एयर टू एयर मिसाइल है। इसको ध्यान रखना है, तो आपको भी ध्यान रखना है। DRDO ने पहला ट्रायल किया है पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का। ये पहला हमारा एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है ना। तेजस जो है ये इंडिया का पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, जिसको ऐड किया गया है 5th जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल श्रेणी में, ठीक है ना। इट्स एयर टू एयर वेपन कैपेबिलिटी है, इसको आपको ध्यान रखना है। कोलंबो पोर्ट सिटी ऑफन मेंशन इन न्यूज इज लोकेटेड इन, तो कोलंबो पोर्ट सिटी है जिसका अक्सर समाचारों में उल्लेख होता है, ये कहाँ पे स्थित है? कोलंबो पोर्ट सिटी श्रीलंका में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, या मालदीव्स में? ये पूछा गया है। जो कोलंबो पोर्ट सिटी है जो अक्सर चर्चाओं में रहती है, समाचारों में रहता है, ये इनमें से कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है। श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स? श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स। प्लीज गो फॉर द आंसर। बहुत आसान है ये, क्या बताओगे आप लोग? श्रीलंका। अगला सवाल ये है आप लोगों का, हु वॉज रेवा प्रसाद द्विवेदी? रेवा प्रसाद द्विवेदी इनमें से कौन थे? अ नोटेड संस्कृत स्कॉलर, एन एथलीट, इसरो साइंटिस्ट, या हिंदी फिल्म आर्टिस्ट? ये पूछा गया आप लोगों से, ठीक है ना। रेवा प्रसाद द्विवेदी इनमें से कौन थे? अ नोटेड संस्कृत स्कॉलर, कोई एथलीट थे, इसरो साइंटिस्ट, या फिर
हिंदी फिल्म आर्टिस्ट ये पूछा गया, तो आप क्या बताओगे? ये एक नोटेड संस्कृत स्कॉलर थे, ये ध्यान रखना है आप लोगों। प्रधानमंत्री मोदी ने काफी दुख जताया है, एक प्रसिद्ध संस्कृत स्कॉलर पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के निधन के ऊपर में। ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कौन है? पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल ये है, एज इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय। एज जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एमेजॉन या फेसबुक? एज इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लीज गो फॉर द आंसर। एज, इस वेब ब्राउजर को इनमें से किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये पूछा गया है आपसे। तो आप क्या बताओगे? इट्स द ए ऑप्शन, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। अगला तो माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि इट विल एंड सपोर्ट फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 ऑन जून 15, 2022। तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसको ये बंद कर देगी 11 जून 15, सॉरी एक्सप्लोरर 11 को। माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात की घोषणा की कि 15 जून 2022 को जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 है, इसके लिए जो भी टेक्निकल सपोर्ट दी जाती है उसको ये क्या कर देगी? क्लोज कर देगी। इसको ध्यान रखना आप लोगों को। पार्कर सोलर प्रोब को अध्ययन के लिए किस पे लॉन्च किया गया है? पार्कर सोलर प्रोब वॉज लॉन्च टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेस? जो पार्कर सोलर प्रोब है इसको किस सतह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? सन, मार्स, वीनस, जुपिटर, किसके लिए? जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक या शेयर नहीं किया है प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दिया। हम लोग 5 लाइक्स दूर है 100 से। एक बार जिन 5 लोगों ने इसको लाइक नहीं किया है प्लीज एक बार लाइक कर दें, ताकि हम लोग 100 के मार्क को क्रॉस कर जाएं। तो आप क्या बताओगे? इट्स द सन, इसको ध्यान रखना है, सूरज। IUCN हैज पुट द वेस्टर्न हुलॉक गिबन अंडर द विच कैटेगरी? IUCN ने इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत वेस्टर्न हुलॉक गिबन को रखा है? एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, थ्रेटेंड या नन ऑफ द अबव? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल साइंसेज हैं, इन्होंने वेस्टर्न हुलॉक गिबन को इसमें से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है, ये पूछा गया है आपसे। प्लीज गो फॉर इट। इज इट अंडर द इनडेंजर्ड, इज इट अंडर द वल्नरेबल, इज इट अंडर द थ्रेटेंड या फिर नन ऑफ द अबव? ये बताओ आप लोग। तो क्या बताओगे? इसको रखा गया है इनडेंजर्ड कैटेगरीज में। Which of the following had established a COVID management cell to coordinate assistance to the civil authority? इनमें से किसने नागरिक प्राधिकरण को सहायता के समन्वय के लिए एक COVID प्रबंधन सेल की स्थापना की है? COVID management cell to coordinate assistance to the civil authority, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, ये पूछा गया है आप लोगों से। तो क्या बताओगे आप लोग? इज इट इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी? तो आंसर क्या हो जाएगा? इट्स द इंडियन आर्मी। अगला सवाल ये है, तियानजाओ 2 कार्गो स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ? हाल ही में समाचारों में देखा गया तियानजाओ 2 कार्गो अंतरिक्षयान किसकी पहल है? नॉर्थ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया या चाइना? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तियानजाओ 2 कार्गो स्पेसक्राफ्ट जो कि हाल ही में न्यूज में था, ये इनमें से किसकी इनिशिएटिव है, ये पूछी गई है आप लोगों से। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर। तियानजाओ 2 कार्गो स्पेसक्राफ्ट जो कि हाल ही में चर्चाओं में था, ये किसकी इनिशिएटिव है, ये पूछा गया आप लोगों से। आप क्या बताओगे? इट्स द चाइना। वॉट इज HRMN-99? वॉट इज HRMN-99 रिसेंटली सीन इन न्यूज?
हाल ही में खबरों में रहा HRMN99 क्या है? An innovative self-pollinating apple variety, it is an asteroid, cryptocurrency या none of the above? HRMN99 इनमें से क्या है? HRMN99 क्या है ये? तो आप बताओगे, ये एक इनोवेटिव सेल्फ पॉलिनेटिंग एप्पल वैरायटी है। इट्स अ वैरायटी ऑफ एप्पल, सेल्फ पॉलिनेटिंग एप्पल वैरायटी। रिसेंटली सीन इन न्यूज, इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज वॉज लॉन्च्ड अंडर, हाल ही में खबरों में देखा गया, इंडिया साइकिल फॉर चेंज चुनौती के तहत लॉन्च किया गया था। अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी मिशन, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान या नन ऑफ द अबव? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से बचाए रखने के लिए, कार्बन एमिशन से बचाए रखने के लिए साइकिलिंग का एक बहुत बड़ा मैराथन स्टार्ट किया गया था। और किसके अंतर्गत आप बताओगे? स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। इसको ध्यान रखना आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली अनाउंस्ड 33.3% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स इन द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द स्टेट? इनमें से किस राज्य ने हाल ही में राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में छात्राओं के लिए 33.3% आरक्षण की घोषणा की है? केरल में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश ने या बिहार ने? ये पूछा गया है। इसमें से ये पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य ने हाल ही में राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में छात्राओं के लिए 33.3% आरक्षण की घोषणा की है? तो आप क्या बताओगे? इट्स द बिहार। डी इज द करेक्ट आंसर। एन ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज, जिसकी कोविड केयर है, ये किसकी इनिशिएटिव है? स्पेशली जो कोविड-19 पेंडेमिक में ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनके लिए ये एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज लाया गया है। ये किसकी इनिशिएटिव है, किसकी पहले? चेतना एनजीओ की, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की, ठीक है ना, दिल्ली काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की या नन ऑफ द अबव? प्लीज गो फॉर द आंसर। सभी लोग जोश के साथ रहो, हम लोग भी 31 क्वेश्चन दूर हैं, तो एक बार प्लीज आप लोग थोड़ा सा पम्प्ड अप रहो पूरी तरीके से। तब बताओ कि NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नासाज न्यू टू मिशंस डाविंची प्लस एंड वेरिटास विल स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट? नासा के दो नए मिशन डाविंची प्लस और वेरिटास जो है, ये किस ग्रह का अध्ययन करेंगे? मार्स यानी कि मंगल, मरकरी, जुपिटर या वीनस? ये पूछा गया है। नासाज न्यू टू मिशंस डाविंची प्लस एंड वेरिटास विल स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट? ये पूछा गया है, मार्स, मरकरी, जुपिटर या वीनस? प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। तो आप क्या बताओगे? इट्स द वीनस। एब्सोल्यूटली ट्रू। विच स्पेस एजेंसी हैड रिसेंटली अनाउंस्ड द एन विजन मिशन टू वीनस? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वीनस के लिए एन विजन मिशन की घोषणा की है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसरो ने या जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने? इसमें से किस पर्टिकुलर स्पेस एजेंसी के द्वारा हाल ही में अनाउंस किया गया है एन विजन मिशन टू वीनस? हां जी, क्या होगा इसका आंसर? तो 71 का क्या हो जाएगा? इट्स द ए ऑप्शन। ये ध्यान रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज और हैव वॉन द पुलित्जर प्राइज? इनमें से किसने पुलित्जर पुरस्कार जीता है? मेघा राजा गोपालन ने, नील बेदी ने, कैथलीन मैकग्रोरी ने या ऑल ऑफ देम? ये पूछा गया है। जो पुलित्जर प्राइज है जर्नलिज्म, जर्नलिज्म, कल्चर, म्यूजिक, लेटर राइटिंग्स, ये सब वो इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसमें दिया जाता है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स ऑल ऑफ देम। द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 हैज रिसेंटली बीन रिलीज्ड बाय द चैरिटीज एड फाउंडेशंस एंड व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग इन दिस लिस्ट?
चैरिटी एड फाउंडेशन द्वारा हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 को जारी किया गया। इस सूची में भारत की रैंकिंग क्या है, 12, 13, 14 या 15? एक चीज ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है 2021 का, ठीक है ना, जिसको रिलीज किया गया है चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा, इसमें पूछा गया है कि इंडिया की रैंकिंग क्या रखी गई है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। और ये जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का ये जो रैंकिंग रखा गया है, रिलीज किया गया है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक इनिशिएटिव ये रखी गई थी कि कोविड-19 पेंडेमिक में जो आपके नेबर्स हैं या जो लोग, इन्होंने कितनी उदारता के साथ लोगों के लाइफस्टाइल को चेक करने के लिए, उनको सुधारने के लिए अपने एंड से सहयोग किया है। तो इसके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग क्या रखी गई है, 14 रखी गई है, ये ध्यान रखना है। द मैनेजमेंट डेवलपमेंट हैज रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग इन द लिस्ट? प्रबंधन विकास ने हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 को जारी किया है और इस सूची में भारत की रैंकिंग क्या रखी गई है, 41, 42, 43, 44। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जिसको जारी किया गया है IMD के द्वारा, इसके अंतर्गत भारत की क्या रैंकिंग रखी गई, ये पूछा गया है। तो आप क्या बताओगे, इट्स द सी ऑप्शन, दैट इज 43। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, दैट इज 43। विच कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड द समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स विद द ब्रिक्स कंट्रीज? किस देश ने हाल ही में ब्रिक्स देशों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड द समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स विद द ब्रिक्स कंट्रीज? ब्राजील, चाइना, इंडिया एंड रशिया, ये पूछा गया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड द समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स विद द ब्रिक्स कंट्रीज? क्या होगा इसका आंसर, तो आप बताओगे भारत ने। इसको किसने लॉन्च किया है, तो आप बताओगे भारत ने। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज और हैव स्टार्टेड द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इनिशिएटिव? टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर इनिशिएटिव पहल की शुरुआत किसने की है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड डी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। प्लीज गो फॉर द आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज और हैव स्टार्टेड द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर इनिशिएटिव? टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर इनिशिएटिव इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप क्या बताओगे, इट्स द डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। विच सिटी हैज बैग्ड द इनोवेटिव आइडिया अवार्ड अंडर द स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020? किस शहर को इनोवेटिव आइडिया अवार्ड मिला है, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर या नोएडा? इसमें से ये पूछा गया आपसे कि किस सिटी को इनोवेटिव आइडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये पूछा गया आप लोगों से। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। इनोवेटिव आइडिया अवार्ड अंडर द स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसे दी गई है, तो आप क्या बताओगे, इट्स द इंदौर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 को जारी किए थे, जिसमें इंदौर और सूरत जो है उन्होंने ज्वाइंटली ओवरऑल डेवलपमेंट का अवार्ड जीता है। यूपी जो है, इट हैज इमर्ज ऑन द टॉप अमॉन्ग ऑल स्टेट्स, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु अंडर द स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। जो अहमदाबाद है इसको दिया गया है स्मार्ट सिटीज का लीडरशिप अवार्ड, चंडीगढ़ को दिया गया है यूटीज के अमॉन्ग इनोवेटिव आइडिया अवार्ड, अमॉन्ग यूटी चंडीगढ़ है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों। Who has been appointed as the Attorney General of India by the government? सरकार द्वारा भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Attorney General of India by the government, भारत सरकार द्वारा भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुकुल रोहतगी को, KK वेणुगोपाल को, गोपाल सुब्रमण्यम को या हरीश साल्वे को? Who among the following has been appointed as the Attorney General of India by the government of India? आप क्या बताओगे, इट्स द KK वेणुगोपाल। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अप्रूव्ड
टू सपोर्ट इंडियाज इनफॉर्मल वर्किंग क्लास एमिड पेंडेमिक, ये पूछा गया है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने महामारी के बीच भारत के अनौपचारिक मजदूर वर्ग का समर्थन करने की मंजूरी दी है? IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक या UNDP? प्लीज गो फॉर द आंसर। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अप्रूव्ड टू सपोर्ट इंडियाज इनफॉर्मल वर्किंग क्लास एमिड पेंडेमिक? क्या होगा इसका आंसर? तो आप बताओगे इट्स द वर्ल्ड बैंक। क्या हो जाएगा? इट्स द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वॉट इज द इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 दैट हैज बीन रिसेंटली रिलीज बाय द ITU, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रखी गई है? 5th, 10th, 12th या 17th? इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 जिसको कि हाल ही में रिलीज किया, पहली बार इंडिया टॉप 10 में आई है और इंडिया की रैंकिंग क्या हो जाएगी? तो आप क्या बताओगे? 10th हो जाएगी। रिसेंटली इटली होस्टेड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, इन विच ईयर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20? भारत किस वर्ष G20 समूह जो है इसकी मेजबानी करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा, ये पूछा गया आपसे। 2022 में, 2024 में, 2026 में या 2028 में? प्लीज टेल मी द आंसर। 81, वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 81। रिसेंटली इंडिया होस्टेड द इंडिया कब मेजबानी करेगा, तो बताओगे 2022 में, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज द इंडियाज करंट अकाउंट सरप्लस इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द RBI? RBI द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत का चालू खाता अधिशेष कितना है? 0.5%, 0.9%, 1.73, 1.89? क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आई है आप लोगों को, रियली सॉरी फॉर दैट। इंडियाज करंट अकाउंट सरप्लस जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना रहा है RBI के अकॉर्डिंग, तो बताओगे 1.89%। कितना हो जाएगा? 1.89। एक बार सभी लोग सिद्धत के साथ सेशन को लाइक और शेयर कर दो। द निपुण भारत मिशन विल कवर द चिल्ड्रन ऑफ एज ब्रैकेट बिटवीन, निपुण भारत मिशन के किस आयु वर्ग के बीच के बच्चों को शामिल किया गया? जो निपुण भारत मिशन है इसमें किस उम्र वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया? 3 से 9, 5 से 14, ठीक है ना, 9 से 16, 5 से 17। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत पूछा गया है कि किस उम्र के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा, किस उम्र ग्रुप के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा, ये पूछा गया आप लोगों से। प्लीज गो फॉर द आंसर। तो आप क्या बताओगे? इट्स द 3 to 9 years। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसको ध्यान रखना है आपको। और ये जो मिशन है ये क्रिएट करेगा एक ऐसे एनवायरमेंट को जो कि यूनिवर्सल एंश्योर कर सके लिटरेसी को, न्यूमरल्स बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे भी, इसको ध्यान रखना है। और इसमें 3 से लेकर 9 साल के बच्चों को एनरोल किया जाएगा 2026-27 तक के फाइनेंशियल ईयर तक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन आर्मी चीफ मनोज नरावने विल इनॉग्रेट द इंडियन आर्मी मेमोरियल, किस भारत इनमें से किस देश में भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवने जो है वो भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे? ये 5 दिनों के दौरे पर गए थे उस देश में, जर्मनी, फ्रांस, इटली या पोलैंड, ये पूछा गया है। जो आर्मी चीफ है मनोज नरवने ये किस कंट्री में जाकर के आर्मी मेमोरियल का उद्घाटन करने वाले हैं, ये पूछा गया है आप लोगों से। प्लीज गो फॉर द आंसर, प्लीज गो फॉर द रिप्लाई। तो आप क्या बताओगे? इट्स द इटली। क्या होगा? इटली। विच मिनिस्ट्री डिड लॉन्च द टेली लॉ प्रोग्राम रिसेंटली डूइंग राउंड्स इन द न्यूज, हाल ही में खबरों में चक्कर लगा रहे किस मंत्रालय ने टेली लॉ प्रोग्राम को लॉन्च किया है? जो टेली लॉ प्रोग्राम है इसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम अफेयर्स एंड डी इज बोथ A and B।
अब थोड़ा क्वेश्चन टफ आ गया है, तो डी ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। इन विच स्टेट ग्रेवेलिया बोरो एंड डेक्सिपस क्लेनी स्पाइडर्स हैव बिन फाउंड बाय द एर्कोलॉजिस्ट? पुरातत्वविद ने किस राज्य में ग्रेवेलिया बोरो और डैक्सिपस क्लेनी मकड़ियों की खोज की है? उड़ीसा में, कर्नाटक में, असम में या महाराष्ट्र में? ग्रेवेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी नाम की जो मकड़ियां हैं, ये किस राज्य में, इसकी प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है, ये पूछा गया है आप लोगों से। असम, क्या हो जाएगा? असम। अगला सवाल ये है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड मत्स्य सेतु ऐप फॉर फिशरमैन? किस मंत्रालय ने मछुआरों के लिए मत्स्य सेतु ऐप को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द मत्स्य सेतु ऐप फॉर फिशरमैन? मत्स्य सेतु ऐप को मछुआरों के लिए किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? आप क्या बताओगे? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। अगला सवाल यह है आपका, हु हैज टेकन द ओथ एज द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इन रिसेंट रिशफलिंग ऑफ द कैबिनेट? हाल ही में मंत्रिमंडल के फेरबदल में रेल मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? धर्मेंद्र प्रधान, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, जितिन प्रसादा? द न्यू रेलवे मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज हु, ये पूछा गया है, देश के नए रेल मंत्री कौन है? तो आप क्या बताओगे? इट्स द अश्विनी वैष्णव। क्या नाम है इसका? अश्विनी वैष्णव। विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर्स? हाल ही में किस देश ने सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने हाल ही में सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है? भारत ने, यूके ने, यूएई ने या चाइना ने? विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर्स? इंडिया, यूके, यूएई, चाइना? इंडिया, यूके, यूएई, चाइना। तो आप क्या बताओगे? इट्स द डी ऑप्शन, दैट इज चाइना। इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड द इट्स 10th एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I पोसिडियन? विच कंट्री हैज डेवलप्ड द एयरक्राफ्ट? भारतीय नौसेना को अपना 10वां पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री गश्ती विमान P-8I पोसिडियन प्राप्त हुआ है, तो विमान का विकास किस देश ने किया है, ये पूछा गया आपसे। P-8I पोसिडियन का विकास इनमें से किस देश ने किया है? रशिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस? रशिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस। इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड इट्स 10th एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I पोसिडियन? विच कंट्री हैज डेवलप्ड द एयरक्राफ्ट? आप क्या बताओगे? इट्स द फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, एक सेकेंड, पोसिडियन जो है वो अमेरिका हो जाएगा, सो सॉरी, अमेरिका। विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स विच विल बी डिलीवर्ड टू इंडियन एयरफोर्स सून? किस देश ने दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर विकसित किया है जिसे जल्द ही भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा? अमेरिका, भारत, रशिया और फ्रांस? इससे पहले का क्वेश्चन ये था, इससे पहले का क्वेश्चन ये था कि इंडिया ने अपना 10वां पनडुब्बी युद्ध पोतों को ध्वस्त करने वाले एक मैरीटाइम पेट्रोल, यानी कि जो गश्त लगाते हैं समुद्र में, उसके लिए एयरक्राफ्ट हासिल किया है P-8I पोसिडियन, ये पूछा गया है, ये किसने बनाया है? तो आप बताओगे? यूएस के एरोस्पेस कंपनी बोइंग, ये पूछा गया था। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन था और उसका आंसर एरोप्लेन हो जाएगा। मैं तो बता तो दिया आर्या, आपको बता रहा हूं, प्लीज एक्सप्लेन, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू ओनली, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी।
इंडियन नेवी ने अभी अपना 10वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट PAtime पोजिडियन को हासिल किया है। कहां से? तो आप बताओगे अमेरिका के बोइंग से। अब आप स्पैम कर रहे हो और कुछ नहीं है। तो वर्ल्ड का जो लाइटेस्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसको डिलीवर किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स को, इसको खुद डेवलप कर रही है कौन, तो आप बताओगे कौन? भारत। इसको ध्यान रखना है। विच स्टेट और यूटी हैज बिकम द फर्स्ट वन टू अचीव द 100% डोज कवरेज? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 100% COVID-19 पहली खुराक कवरेज को हासिल करने वाला पहला राज्य बन चुका है? ये पूछा गया है आप लोगों से। Which state or UT has become the first one to achieve the 100% first dose coverage? तो आप क्या बताओगे? It's the Ladakh। कौन है? Ladakh है। अगला सवाल यह है आपका, In which state India's first cryptogamic garden has been recently inaugurated? हाल ही में भारत के पहले cryptogamic उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा। हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा। इंडिया का पहला जो क्रिप्टोग्रामिक गार्डन है इसका उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो आप क्या बताओगे? इट्स इन उत्तराखंड। जो उत्तराखंड के कहां पे? तो आप बताओगे देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में। आपको अगर डिटेल पढ़ना है तो आप एक्सप्रेस 365 वाले सेशन में आया कीजिए, RNG। ये रिवीजन क्लास चल रही है। Who has become the first woman to win two individual Olympic medals in India? भारत में दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, PB Sindhu या मैरी कॉम? फर्स्ट वुमेन टू विन टू इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स इन इंडिया। It will be PB Sindhu, बिल्कुल सही है। Which ministry has recently launched the Sankalp Se Siddhi Mission? Sankalp Se Siddhi Mission Bandhan। हाल ही में किस मंत्रालय ने Sankalp Se Siddhi Mission Bandhan को लॉन्च किया है? वन धन। Ministry of Tribal Affairs, Home Affairs, Consumer Affairs या Public Distribution System? किसने अभी लॉन्च किया है Sankalp Se Siddhi Mission वन धन? Sankalp Se Siddhi मिशन, ये कौन है भाई? आर्या गेमर। बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि रिवीजन क्लास है, आपको समझ में नहीं आ रही है क्या? दिस इज बेटा रिवीजन क्लास। ये सारे चीजें अभी एफकैट के प्रिपरेशन के बच्चों को मैं क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूं, आप प्लीज समझिए इसमें। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होगा इसका आंसर। विच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज गॉट A five-star hotel atop its railway track, which is one of its type. किस भारतीय रेलवे स्टेशन को अपने रेलवे ट्रैक के ऊपर एक पंच सितारा होटल मिला बनाया है जो अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव है? अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर या राजकोट? Which Indian railway station has got? इसका आंसर क्या होगा? तो आप क्या बताओगे? 96 का आंसर क्या होगा? तो आप बताओगे इट्स द गांधीनगर इन गुजरात। क्या हो जाएगा? गांधीनगर इन गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन द नेशन? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है? द्रोणाचार्य अवार्ड, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या अर्जुना अवार्ड? ये पूछा गया आपसे। इसमें से कौन सा पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है? तो आप क्या होता है, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम बदल के रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये ध्यान रखना है आपको। इंडिया विल बी कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा 21 विद विच कंट्री? भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंदिरा 21 आयोजित करेगा? USA, UAE, फ्रांस या रशिया? ये जो इंदिरा 21 है ये भारत किसके साथ ऑर्गेनाइज करेगा, ये पूछा गया आप लोगों से। रिप्लाई करो सभी लोग। एक्सरसाइज इंदिरा 21
इट्स द रशिया. विच कंट्री हैज चेयर्ड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग दिस ईयर. इस बार शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? चाइना ने, इंडिया ने, ताजिकिस्तान ने, रशिया ने? विच कंट्री हैज चेयर्ड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग दिस ईयर? इज इट चाइना, इज इट इंडिया, इज इट ताजिकिस्तान, इज इट रशिया? तो आप क्या बताओगे? दिस इज द ताजिकिस्तान. वॉट इज द ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एसोसिएटेड विद? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड किससे संबंधित है? फिश फार्मिंग, कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, नेवी एक्सरसाइज विद सम कंट्री, एंड एक्सपेडिशन ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड पीपल. ये बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, डोंट वरी एट ऑल, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी. ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड किससे संबंधित है ये पूछा गया है आप लोगों से. तो आप क्या बताओगे? इट इज द एक्सपेडिशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल. तो बच्चों ये थी आज की सारी सेशन मैराथन की. जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन बेंचेस बाय एग्जाम्पल लेकर के आया है एस्पायर सीडीएस 2021 जो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है. इसको आपको ध्यान रखना है. आई बात समझ में? जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्सपर्ट फैकल्टीज गाइडेंस और डाउट सेशन प्रोवाइड की जाएगी. और इस कोर्स की जो फी रखी गई है वो 1999 है और ये ऑलरेडी 16th of August से स्टार्ट हो चुका है. आप इसको example.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के परचेज कर सकते हो. और जो हमारा एस्पायर ओटीए 2021 कंप्लीट फाउंडेशन बैच है इसकी कोर्स फी रखी गई है 1499 और ये भी हमारी 16th August 2021 से स्टार्ट हो चुकी है. इसको भी आप example.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के परचेज कर सकते हो. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन लाइव. बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. हम लोग नेक्स्ट वीक और भी मैराथन सेशन लेकर के आएंगे सुबह से शाम तक. थैंक यू सो मच. एंड थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच एवरीवन.